மங்களம் பகவான் வீரோ மங்களம் கௌதமோகணி மங்களம் குந்த குந்தாத்யோ ஜேன தர்மோஸ்து மங்களம் சர்வ மங்கள மாங்கல்யம் சர்வ கல்யாண காரிகம் பிரதானம் சர்வ தர்மானாம் ஜெயனம் ஜெயது சாசனம் ஜெயனம் ஜெயது சாசனம் ஏச சுராசுரமசந்த வந்திதம் தோதுதாயிகம் மலம் வணமாமி வட்டுமாணம் தித்தம் நம்மாசுகர்த்தாரம் தித்தம் நம்மாசுகர்த்தாரம் यहाँ कुछ दिनों के अंतराल के पश्चात हमें पुनः आज चर्चा करनी है। कार्यक्रम हमारा वहाँ भी बहुत अच्छा रहा, नैरोबी में। मुझे भी जानकर आश्चर्य हुआ था और आपको भी जान के आश्चर्य होगा, अफ्रीका में 53 देश हैं और अफ्रीका के 53 देशों में मंदिर एकमात्र केनिया और नैरोबी में है। अब आप सोचो जरा क्या हाल है, इतने देशों में सिर्फ एक देश के एक शहर में मंदिर है, जिस मंदिर में हम गए थे। माने लोगों को दर्शन नसीब नहीं होते, हमें ये दर्शन करने का सौभाग्य मिला है, मिलता है तो ये महाभाग्य से मिलता है। जिनेंद्र देव के दर्शन करने का अवसर मिलना ये बड़े भाग्य से होता है। एक दिन भी ऐसा नहीं जाए जो जिनेंद्र देव के दर्शन के बिना हो। जिन्हें भगवान बनने की भावना हो, उन्हें भगवान के दर्शन करने का भाव नहीं आए तो उनसे बड़े अभाग्य कोई हो नहीं सकते। यहाँ तो कदम कदम पर मंदिर है, जयपुर तो मंदिरों की नगरी कहलाती है, लाखों जैन हैं और सैकड़ों जैन मंदिर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब हम आस पड़ोस में दृष्टि डालकर देखते हैं तो दर्शन नहीं करने वाले लोग दिखते हैं तो लगता है ये कैसे अभागे। ये तो ऐसी जगह पर जाएंगे जहाँ इनको दर्शन तो बहुत दूर की बात है, वो कुछ नहीं मिलेगा। तो बड़ा आश्चर्य मुझे वहाँ लगा सुनकर के, पहले जानकारी का विषय नहीं था। खैर चलिए, बहुत अच्छा वहाँ कार्यक्रम रहा और ये जो प्रवचन सार के आधार से यहाँ जो चर्चा चलने वाली है, वहाँ विशेष विषय हमारा प्रवचन सार के आधार पर ही चला था। प्रवचन सार के 47 नए, शाम को भी प्रवचन, विशेष शिविर का आयोजन, 6-6 घंटे आयोजन, 10 लक्षण पर्व का अवसर था चैत्र मास के, महावीर जयंती बीच में, बहुत विधान पूजा, बहुत धूमधाम से सारा कार्यक्रम हुआ, सब लोगों ने बहुत लाभ लिया। और जिस प्रवचन सार के 47 नयों की वहाँ चर्चा की जाती थी, उसी प्रवचन सार ग्रंथ को आधार बनाकर यहाँ षट कारक की चर्चा हम आज से प्रारंभ कर रहे हैं। जाने से पहले हमने आचार्य कुंदकुंद स्वामी का जो परिचय है वो परिचय पढ़ा था यहाँ। माने पाठ के प्रारंभ में जो परिचयात्मक स्थिति है आचार्य कुंदकुंद स्वामी की, वो चर्चा हम यहाँ कर चुके हैं। वहाँ भी हमने एक स्पेशल प्रवचन में आचार्य कुंदकुंद और प्रवचन सार ये विषय लिया था। एक विषय मनुष्य भव की दुर्लभता पर सुना है आप लोगों ने, और एक विषय लिया आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला। तो उसमें जैन सिद्धांत या जैन चिंतन किस प्रकार का होना चाहिए, ये सब विषय लिए हैं जो सब उपलब्ध हैं, सारे रिकॉर्डेड हैं और सब उपलब्ध हैं यूट्यूब पर। चलिए, यहाँ तो प्रवचनकार प्रवचन कर रहे हैं, प्रवचन सार ग्रंथ सामने खुला हुआ है। पहली गाथा जो अभी मैंने मंगलाचरण के रूप में बोली है, वो गाथा यहाँ प्राकृत में लिखी हुई है। एक बार पढ़ते हैं हम पुनः, गाथा का अर्थ करेंगे, प्रवचन सार का थोड़ा सा परिचय और फिर बढ़ेंगे षट कारक की तरफ।
एस सुरासुर मनु सिंध वंदिगम धोदघाई कम मलम प्रणवामी वढ़माणम तीर्थम धम्मस्कतारम। भाई ये गाथा याद होनी चाहिए, ये 2-5 दिन रोजाना बोलेंगे हम, जब तक षटकारक की चर्चा चलेगी ये प्राकृत गाथा बोलेंगे। इसका पद्यानुवाद तो आप में से बहुत लोगों को याद होगा। सुर असुर इंद्र नरेंद्र वंदित कर्म मल निर्मल करण वृष तीर्थ के करतार श्री वर्धमान जिन शत शत नमन। क्या एस सुर असुर प्राकृत की लाइनें देखिए, एस माने यह, सुर और असुर और मनुष्य, तीन शब्द दिख रहे हैं, सुर असुर मनुष्य, फिर इंद ई ई की मात्रा दिख रही है मनुष्य ई सैम इंद वंदिदम माने देवों के इंद्र, असुरों के इंद्र और मनुष्यों के इंद वंदिदम, उनके द्वारा जो वंदित है, जो वंदित करते वंदन करते हैं। देवों के इंद्र हो गए वैमानिक देवों के, वैमानिक देव कहलाते हैं सुर। असुर माने अकेला राक्षस नहीं होता, असुर का अर्थ होता है भवनवासी व्यंतर और ज्योतिष्क देव, वो सब असुर है। सुर माने वैमानिक देव, असुर माने अन्य 3 प्रकार के देव। तो सुर और असुर उनके इंद्र, सारे इंद्र गर्वित हो गए, 98 इंद्र आ गए, 98 इंद्र हैं टोटल देवाश्चतुर निकाय के। और मनुष्य इंदम और मनुष्य जो इंद्र हैं हमारे चक्रवर्ती हैं। वंदिदम उनसे जो वंदित हैं, धोद धो दिया है, घाई कम मलम धोद घ आएगा यहाँ, ध गलती से मिसप्रिंट है, देखो धोद धो दिया है, धोने को धोद घाई कम मलम घाती कर्म मलको, 4 घातिया कर्मों को जिन्होंने नष्ट कर दिया है। प्रणवामी नमस्कार करता हूँ वंदन करता हूँ वड्यमाणम वर्धमान स्वामी को, प्रणवामी वड्यमाणम वर्धमान स्वामी को नमस्कार करता हूँ, महावीर स्वामी को नमस्कार करता हूँ। तीर्थम धम्मस गत्तारम, तीर्थम तीर्थ, धम्मस धर्म के, तीर्थम धम्मस धर्म तीर्थ के, कत्तारम जो करता है, जो धर्म तीर्थ जिनका चल रहा है, हमारे अंतिम शासन नायक जिनका शासन काल वर्तमान में चल रहा है, ऐसे वर्धमान स्वामी को मैं वंदन करता हूँ। मैं तो कर ही रहा हूँ, अरे बड़े बड़े लोग उनको पूछते हैं भाई साहब मैं हूँ कौन, ये कुंदकुंद स्वामी कह रहे, जिनको सुर असुर इंद्र नरेंद्र ये सब जिनको पूजते हैं, मैं उनके चरणों में अपना मस्तक झुकाता हूँ। ये प्रवचन सार ग्रंथ का मंगलाचरण है, यह है प्रवचन सार ग्रंथ। इसको आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने विदेह क्षेत्र से लौटने के बाद लिखा था, विदेह क्षेत्र से आए थे सीमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनकर, और आने के बाद जब इस ग्रंथ की रचना की तो उन्होंने बुद्धिपूर्वक सीमंदर भगवान को याद नहीं किया, बोले कहीं गलत परंपरा नहीं चल जाए, लोग ऐसा ना समझने लगे कि ये माल वहां से आया है, ये विदेशी माल है। तो ऐसा विचार कर उन्होंने बुद्धिपूर्वक वर्तमान स्वामी को स्मरण किया, उनको वंदन किया। 5 गाथाओं में मंगलाचरण है, विद्यमान 20 तीर्थंकरों को भी किया है, 2400 तीर्थंकरों को भी किया है, और जितने पूज्य हैं उन सबको उन्होंने वहाँ स्मरण किया है 5 गाथाओं में। ये महान शास्त्र है, इसे आचार्य कुंदकुंद देव ने आज से करीब 2000 वर्ष पूर्व बनाया था। जैसा महान यह ग्रंथराज है वैसी ही तत्व प्रदीपिका नामक महान टीका संस्कृत भाषा में आचार्य अमृत चंद्र ने इस पर लिखी है। इसके 3 महाधिकार हैं, किसके? प्रवचन सार के 3 महाधिकार हैं।
किसने लिखी है इसके ऊपर टीका? अमरचंद्राचार्य देव ने। प्रवचन सार की टीका का नाम क्या है? तत्व प्रदीपिका। याद रखना भाई, ये तो अपनी पाठशाला चल रही है, ऐसा समझ लो आप। देखो प्रवचन समझ करके बैठोगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा, याद करते जाओ। कौन से ग्रंथ की बात है? प्रवचन सार। किसने लिखा? आचार्य कुंकुल स्वामी ने। उसकी टीका किसने लिखी? अमरचंद्राचार्य देव ने। उस टीका का नाम क्या है? तत्व प्रदीपिका। कठिन लगेगा नाम थोड़ा सा, नया नया सुना होगा तो। तत्व प्रदीपिका नामक टीका अमरचंद्र स्वामी ने लिखी। एक और बात कहूं, जयसेनाचार्य ने भी इसी समय सार पर टीका लिखी है। उस टीका का नाम है तात्पर्य वृत्ति। ठीक है, जयसेनाचार्य की टीका का नाम तात्पर्य वृत्ति, अमरचंद्राचार्य की टीका का नाम तत्व प्रदीपिका। इस प्रवचन सार ग्रंथ के तीन महाअधिकार, महाअधिकार हैं तीन। पहले अधिकार का नाम, तीनों के नाम याद करना, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन। दूसरा है ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन, बोलो। तीसरा चरणानुयोग सूचक चूलिका, चरणानुयोग सूचक चूलिका। सुनो, ये जो तीन अधिकार है ना, इन तीन अधिकारों में ज्ञान तत्व प्रज्ञापन को, इसमें केवल ज्ञान की चर्चा है, ज्ञान स्वभाव की नहीं। इसमें पूर्ण ज्ञान की चर्चा है, अतींद्रिय ज्ञान की चर्चा है। इसके भी चार अंतराधिकार हैं, शुद्धोपयोग अधिकार है, अतींद्रिय ज्ञान अधिकार, अतींद्रिय सुखाधिकार, शुभ परिणाम अधिकार। ये चार अंतराधिकार हैं उसमें, और डिवाइडेशन किया उसका। कुल मिलाकर के इसमें 92 गाथाएं हैं, 92 गाथाएं हैं। पहली गाथा से लेकर 92 गाथा तक केवल ज्ञान के स्वरूप की विशेष रूप से चर्चा है, ये सब ज्ञान तत्व का वर्णन करने वाला। फिर 93 नंबर गाथा से 200 नंबर गाथा तक चला है ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन, उसमें ज्ञेय की चर्चा है। इसके तीन अंतराधिकार हैं ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन के। सामान्य ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन, विशेष ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन, और ज्ञान ज्ञेय विभाग अधिकार। ज्ञेय, ज्ञेय क्या है? छह द्रव्यों की चर्चा है, सभी ज्ञेय है। तो सामान्य ज्ञेय ऐसी चर्चा की है जो कॉमन बात हो सब द्रव्यों के बारे में। हम सब जानते हैं अस्तित्व वस्तुत्व आदि, ऐसे गुणों की चर्चा होगी, या फिर ऐसे कॉमन गुण होंगे जो सब में पाए जाएंगे। कॉमन बातें होगी, उत्पाद में ध्रुवता सब में है, क्षणिकता, नाशवानपन, परमानेंस, विदे चेंज सब द्रव्यों में है, ऐसी कॉमन बातें। ये क्या है? सामान्य द्रव्य सामान्य अधिकार। फिर विशेष, विशेष द्रव्य विशेष। तो द्रव्य विशेष में एक एक द्रव्य के विशेष गुणों की चर्चा की। फिर तीसरा अधिकार कहा उसका, ज्ञान और ज्ञेय का विभाग करो, ये इंपॉर्टेंट बात है। ज्ञान अलग है और ज्ञेय अलग है, ऐसे विभाग की चर्चा की। कहाँ तक चली चर्चा? 200 तक, 93 से लेकर 200 गाथा तक, ये सेकंड अधिकार। फिर चरणानुयोग सूचक चूलिका, ये चालू हुआ 201 से और चला कहाँ तक? 275 तक, 275 गाथाएं हैं प्रवचन सार ग्रंथ में। 201 नंबर गाथा से शुरू हुआ चरणानुयोग सूचक चूलिका में, मुख्य रूप से मुनिराजों की मुख्यता से वर्णन है। मुनि बनने की प्रेरणा से शुरू किया कि मुनि बनो, मुनिव्रत अंगीकार करो, और मुनिराज कैसे होते हैं, मुनिराजों की लाइफ स्टाइल किस तरह की होती है, उनका जीवन कैसे होता है, ये पूरा वर्णन किया। मुनि बनने की प्रेरणा, फिर मुनि बनने की विधि, सब चर्चा वहाँ उन्होंने की 75 गाथाओं में। तो पहली गाथा यहाँ की उन्होंने 201 नंबर गाथा, उसमें कहते हैं हे जीव, यदि तू मुनिव्रत अंगीकार नहीं करेगा तो संसार के दुखों से मुक्त नहीं हो पाएगा, और यदि तू संसार के दुखों से मुक्त होना चाहता है तो हमारी पहली शर्त है कि तू मुनिव्रत अंगीकार कर। समझ में आ रही है बात? एवं पढ़नीय सिद्धे जिणवर वसे हे पुणो पुणो समणे पढ़ी वज्जतु सामण्यम, श्रावण्य को अंगीकार कर यदि इच्छति दुख परिमुख। तीन महाअधिकार हो गए, तीन में से पहले का नाम
ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, दूसरे का नाम ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन, तीसरे का नाम चरणानुयोग सूचक चुल्लिका। इनको जयसेनाचार्य ने दूसरे नाम दिए, इन तीनों अधिकारों को नाम ही दूसरे कर दिए, चैप्टर का नाम बदल दिया, गाथाएं वही है। तो साहब परिवर्तन क्यों किया? परिवर्तन नहीं, जैसा उन्होंने देखा वैसा लिखा। पहले का नाम लिखा सम्यक ज्ञान अधिकार, ये ज्ञान तत्व था, उन्होंने सम्यक ज्ञान। दूसरा ज्ञेय तत्व था, इसको उन्होंने लिखा सम्यक दर्शन अधिकार। ज्ञेय यथार्थ ज्ञेय की खबर हो जाए, ज्ञान ज्ञेय का विभाव हो जाए तो सम्यक दर्शन हो जाता है, तो उन्होंने सम्यक दर्शन अधिकार नाम दिया। तीसरा है चरणानुयोग सूचक चुल्लिका, इसको उन्होंने नाम लिखा सम्यक चारित्र अधिकार। तो सम्यक दर्शन अधिकार, सम्यक ज्ञान अधिकार, सम्यक चारित्र अधिकार, ये तीन अधिकारों के उन्होंने नाम दिए अपने। और मैं भी इन तीन अधिकारों को अलग नाम देता हूँ। क्या मैं कहता हूँ? जो पहला अधिकार है वो पहला अधिकार है देव अधिकार। देव परमात्मा की चर्चा है, केवल ज्ञान की चर्चा है, अतिन्द्रिय ज्ञान और अतिन्द्रिय सुख की चर्चा है, पूर्ण ज्ञान और पूर्ण सुख की चर्चा है, वो देव की चर्चा करने वाला अधिकार। दूसरा अधिकार जो ज्ञेय तत्व का प्रतिपादन है, ये शास्त्र है, ये जिनवाणी है, ये जिनवाणी की चर्चा है। और तीसरे का नाम है चरणानुयोग सूचक चुल्लिका, ये है मुनिराजों की चर्चा, ये है गुरु। तो मैं कहता हूँ ये देव शास्त्र गुरु की चर्चा है। हमने जब प्रवचन सार विधान किया तो हम ये कहते हैं कि ये तो देव शास्त्र गुरु पूजा है। क्या देखने का सबका अपना अपना दृष्टिकोण है, आप इसे किस दृष्टि से देखते हैं। अब देखिए, तीन अधिकारों की संक्षिप्त चर्चा के उपरांत कहते हैं यहाँ इसके ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार की गाथा 16वीं चलती है। प्रवचनकार कह रहे हैं 16वीं गाथा चल रही है। इसका मतलब या तो हम ये पुस्तक खोल करके बैठे या फिर प्रवचन सार ग्रंथ की 16वीं गाथा खोल करके बैठे, एक ही बात है। प्रवचन सार ग्रंथ की 16वीं गाथा है, कहीं से प्रकाशित हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, मैंने आपको शायद पहले भी बतलाया है, ये प्रवचन सार वो महान ग्रंथ है जो ग्रंथ विश्व की 200 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है। कितना गौरव की अनुभूति होती है हमारे को ये बात जानकर के कि हमारे वस्तु व्यवस्था का प्रतिपादक ग्रंथ देश विदेश में, जर्मनी में, फ्रेंच में, इटली में, रसिया में, अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग लैंग्वेज में लोग इनको पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, सुनते हैं, इस प्रवचन सार जैसे महान ग्रंथ को। क्या मर्म समझते होंगे क्या मालूम, अब वो उनकी भाषा में वो क्या समझाते होंगे, क्या समझते होंगे, क्या उन्होंने उसका मर्म समझा होगा। देखो 16वीं गाथा बहुत महत्वपूर्ण गाथा है। इसमें यह बताया गया है कि शुद्धोपयोग से होने वाली शुद्धात्मा की प्राप्ति, शुद्धात्मा की प्राप्ति शुद्धोपयोग से जो होती है वह अन्य कारकों से निरपेक्ष होने से अत्यंत स्वाधीन है। ओ स्वाधीनता का मार्ग है, स्वाधीन सुख, स्वाधीन आनंद लो जहां भी प्राप्त हो। कितनी स्वाधीनता की बात है, हमें शुद्धोपयोग के लिए, हमें उस आत्मा की प्राप्ति के लिए रंच मात्र किसी की पराधीनता की जरूरत नहीं है। काम अपने में होना है, काम अपने को करना है और काम होने के सारे साधन अपने में ही मौजूद हैं, ये बात कह रहा है यहाँ ये 16वीं गाथा के माध्यम से। कितने गजब बात कह रहे हैं, अरे साहब आखिर उपदेशदाता तो चाहिए, आखिर सुनाने वाले तो चाहिए, ग्रंथ तो चाहिए, बताने वाले तो चाहिए, पढ़ाने वाले तो चाहिए, आखिर उपवास तो करना ही पड़ेगा, आखिर पूजा तो करनी ही पड़ेगी, आखिर स्वाध्याय तो करना ही पड़ेगा, क्या क्या करेंगे सब, व्रत उपवास नियम संयम, कितने कितने काम हमारे को करने तो पड़ेंगे सब, करने तो पड़ेंगे। कैसा लगता है हमारे को, क्या क्या करना पड़ेगा तुम्हारे को? व्रत प्रतिमालो उपवास करो या मंदिर में डेरा डालो। बोलो क्या करना है इनमें से? ये कह रहे हैं सारे कारण तेरे में मौजूद हैं, काम होने की योग्यता अंदर में मौजूद है, ये बतला रहे हैं यहाँ 16वीं गाथा में। आप सोचिए यदि कुंदकुंदाचार्य इस तरह की स्वतंत्रता की बातें नहीं कहते तो हम अनादि काल से पराधीन तो बने हुए हैं और पराधीन ही बने रहते, परतंत्र ही तो बने हुए हैं हम अनादि काल से। हमारी जो ये पराधीनता है, जो परतंत्रता है, वो इस वजह से है
इस शायद आप कुछ हेल्प कर दो तो मेरा उद्धार हो जाए, प्लीज थोड़ा सा कर दो ना यार हेल्प। भरपूर सुखी कर दोगे तुम ये सोचे सन्मुख खड़ा, किसके सामने? भगवान के सामने। हे भगवान बस भरपूर सुखी कर दोगे तुम यह सोचे सन्मुख खड़ा रहा। हम वहाँ पूजन करते थे ना नैरोबी में, तो एक पूजन करते थे और सवा घंटा लगता था, डेढ़ डेढ़ पौने दो घंटे का कार्यक्रम होता था, एक पूजा लेते थे कोई बस आराम से करते थे बिल्कुल, इतना शांति से। सब हिंदी समझने वाले भी लोग नहीं थे, नहीं समझते तो थे बोलते नहीं थे, बहुत अच्छे अच्छी समाज है, अच्छे लोग हैं सब, कम से कम 200 घर की समाज है, तो बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत साधर्मी वात्सल्य, बहुत तत्वज्ञान के अभ्यासी लोग, गहराई से अध्ययन मनन करने वाले। लैंग्वेज तो अलग चलती है वहाँ, लोकल लैंग्वेज, लोकल मतलब वहाँ के देश की जो लैंग्वेज है वो है स्वाइनी, स्वाइनी लैंग्वेज चलती है वहाँ, वो वहीं की नहीं है, केनिया की नहीं है, और भी दो तीन देश हैं जिन देशों में स्वाइनी चलती है, नाम ही नहीं था स्वाइनी, इसी लैंग्वेज में सब बात करते हैं वहाँ, वहाँ की लोकल लैंग्वेज है उस देश की। नहीं, आप समझ में नहीं आए कुछ भी, एक अक्षर भी समझ में नहीं आए, एक ही अक्षर समझ में आया मेरे को, जामो माने हाय हलो एक ही अक्षर समझ में आया मेरे को। चलो क्या कहते हैं, ये कह रहे हैं यहाँ बड़ी गजब की बात है भाई, कितनी स्वाधीनता की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ये कह रहे हैं तुझे अन्य कारकों की रंच मात्र भी जरूरत नहीं है, अत्यंत स्वाधीन और अत्यंत निरपेक्ष है, लेश मात्र भी पराधीन नहीं है। तात्पर्य यह है क्या कि अतिंद्रिय ज्ञान और अतिंद्रिय आनंद की प्राप्ति के लिए जो आप चाहते हैं, अतिंद्रिय ज्ञान भी चाहते हैं, अतिंद्रिय आनंद भी चाहते हैं, अतिंद्रिय ज्ञान और अतिंद्रिय आनंद की प्राप्ति के लिए रंच मात्र भी पर के सहयोग की आवश्यकता नहीं है, रंच मात्र भी पर के सहयोग की आवश्यकता नहीं है। बोलो, हम सुख प्राप्ति के लिए दूसरों की तरफ इस आशा से देखते रहे कि आप मेरे को दे दोगे, आप मेरे को दे दोगे, हे भगवान बस, हे भगवान भरोसे पड़ा रहा। भरपूर सुखी कर दोगे तुम यह सोचे सन्मुख खड़ा रहा, और भगवान भरोसे पड़ा रहा, ऐसे कैसे पंक्तियां हैं। ये कह रहे हैं गाथा इस प्रकार है, गाथा देखो, गाथा भी याद करना भाई, बहुत सुंदर गाथा है, काम आएगी लाइफ टाइम, जीवन के हर मोड़ पर याद करना इस गाथा को। फिर क्या होगा कि मेरे सुखी होने के कारण यदि मुझ में मौजूद है तो मेरे दुखी होने के कारण भी, जो काम हो रहा है वो काम, रंच मात्र पर का दोष नहीं है, रंच मात्र दूसरे का कसूर नहीं है, उसने ऐसा कह दिया इसलिए मुझे गुस्सा आया, इसने ऐसा बोला इसलिए मुझे गुस्सा आया, इसलिए मुझे क्रोध आया, अरे नहीं भाई, उसने ऐसा काम किया इसलिए मेरे को ऐसा भाव, कुछ नहीं है, विकल्प ही करने का काम नहीं है रंच मात्र में। किस बात का विकल्प करो आप, देखो अपने आप को, अपने को देखो, अपने को बदलो, अपने को सुधारो, काम अपने में होना है, अपन ही करने वाले हैं। अनंत स्वाधीनता की चर्चा है यहाँ, गाथा क्या है, तहसो नध सहाओ सावन हूँ सब लोग परि महिदो भूदो स्वयं वाला हवि स्वयं बुद्धि ने दिठो। क्या कह रहे हैं, आधी आधी गाथा बोलता हूँ मैं, बोलना उसको थोड़ा सा, एक बार तो बोल लो कम से कम जवान से, मैं बोलता हूँ उसको रिपीट करना, तह सो लज सहाओ सवन हूँ सब लोग परि महिदो भूदो स्वयमे वादा हवदि स्वयं भूतिने देठो। क्या कह रहे हैं,
सो मन वह क्या लब्ध सहाओ स्वभाव को प्राप्त। लब्ध सहाओ, सहाओ तो स्वभाव है, लब्ध माने प्राप्त, स्वभाव को प्राप्त। संवन्न हूँ सर्वज्ञ, स्वभाव को प्राप्त सर्वज्ञ। सर्वलोकपति महितो, सर्वलोकपति सर्वलोकपति क्या है, महिदो पूजित हैं, भूदो हुआ है, स्वयमेवादा वो आत्मा स्वयं ही हुआ है, अवधि होता है होने से। स्वयं बुद्धि निर्दिष्टो, स्वयंभू कहा गया है, स्वयं बुद्धि स्वयंभू निर्दिष्टो निर्देश किया गया है। स्वयंभू वाली गाथा है, कैसे याद करते हैं इसको प्रवचनों में कार्यक्रमों में, जब कोई विशेष वक्ता जब बोलते हैं तो कहते हैं प्रवचन सार की स्वयंभू वाली गाथा याद करो, ऐसा बोलते हैं, तो आपको 16वीं गाथा याद आनी चाहिए। स्वयंभू, स्वयंभू माने मैं ही मेरा कर्ता धरता, स्वयंभू माने मेरे ऊपर कोई बॉस नहीं है, स्वयंभू माने मेरा कोई कर्ता धरता नहीं है, स्वयंभू माने मैं हूँ, मैं ही करने वाला हूँ, मेरे ऊपर किसी की नहीं चलती, इसका नाम है स्वयंभू। मेरे काम के लिए किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, मैं किसी की हेल्प करता भी नहीं हूँ और मुझे किसी की हेल्प की जरूरत भी नहीं है, मैं ही मेरा कर्ता धरता, इसका नाम है स्वयंभू। ये स्वयंभू वाली गाथा है कि साहब परेशान तो बहुत करते हैं, घर में काम करने आते हैं ना सर्वेंट, ये बहुत परेशान करते हैं, ये बर्तन वाली आते हैं बहुत परेशान करती है, ये दूध वाला आता है ना बहुत परेशान करता है, ये रोज़ इतना लेट कर देता है, परेशान हो जाते हैं। किस किस से परेशान हो रहे हो, कहाँ कहाँ दिख रही है हमारे को, कदम कदम पर हमारे को परेशानियाँ दिख रही है, हर कदम पर परेशानियाँ दिख रही है। अरे भाई साहब तेरी परेशानी का कारण कोई दूसरा नहीं है, तू ही है। सीता को जंगल में किसने छोड़ा, कृतांतवक्र ने, किसने भेजा, कि रामचंद्र जी ने, कि उन्होंने तो किया था, सीता का खुद का भी था क्या कुछ उसमें रोल, खुद का रोल कुछ नहीं था, सारा कसूर उन्हीं का है, रामचंद्र जी के माथे पर मटका फोड़ दो, उन्हीं का किया हुआ है क्या, कि नहीं क्या। सीता के अंतरंग में जाकर के देखो तो उन्होंने कसूरवार उनको नहीं कहा, वो जानती थी इस बात को कि कसूर तो अपना है, गलती तो मेरी है, मेरे को यदि सामने वाला नाराज हो रहा है, मेरे ऊपर सामने वाला यदि बिगड़ रहा है तो इसमें वो बिगड़ रहा है, उसकी गलती नहीं है, वो तो नए कर्म बांधेगा, उसका जो होगा सो होगा, लेकिन असली बात तो ये है मेरे अपेश कीर्ति कर्म का उदय है, मेरे असाता का उदय है, मेरे पाप कर्म का उदय है, और ये मेरे पाप कर्म का उदय मेरे ऊपर क्यों आया, मैंने बांधा था, किसी और का नहीं है, करे कोई और भरे कोई, ऐसा नहीं होता है हमारे यहाँ। सर्वश्रुतियां अधिकार के अंदर कुछ गाथाएं इस प्रकार की लिखी, समय सार के कहां तक पहुंचे अभी, तो ये सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार की जो गाथाएं हैं 308 से शुरू होगा, बीच में कुछ गाथाएं ऐसी लिखी, करे कोई और भरे कोई, अनेकांत लिखा है ऐसा, एक तो अन्य मत बौद्ध मतावलंबी वो ऐसा मानते हैं करे कोई और भरे कोई, करता कोई और भोगता कोई है, ऐसा होता है क्या, लेकिन कर्ज लिया पिताजी ने बहुत, और बहुत कर्ज लिया, अब वो तो चल बसे, हमें चुकाना पड़ रहा है, किया उन्होंने भोगना पड़ रहा है हमारे, ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता। हिसाब दुनिया में तो बहुत देखा जाता है ऐसा, आप मना कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, ऐसा नहीं होता, ऐसा तो बहुत होता है, वो कर्ज ले ले करके ऋण करता पिता शत्रु, ऐसे नीतिकारों के वचन है, ऋण करता पिता शत्रु माता शत्रु च व्यभिचारिणी, रूपवती भार्या शत्रु पुत्र शत्रु च पंडिता, अपंडित पुत्र शत्रु है, रूपवती भार्या शत्रु है, क्या व्यभिचारिणी माता शत्रु है और ऋण लेने वाले पिता शत्रु है, ये नीतिकारों का वचन है, नीति के श्लोक है। चलो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ये तो कह रहे हैं इस तरह की बात कि तेरा ही कसूर है, तेरी ही गलती है, तू उसको देख, अपनी गलती को देख, अपने अपराध को देख। अर्थ पढ़े, स्वभाव को प्राप्त आत्मा सर्वज्ञ और सर्वलोकपति पूजित, सर्वज्ञता को प्राप्त तीन लोक का पूजित ये आत्मा स्वयं हुआ होने से स्वयंभू कहलाता है। इसको सर्वज्ञ किसने बना दिया, तीन लोक का पूज्य किसने बना दिया, ये कैसे तीन लोक का नाथ हो गया,
सारे जगत के लोग इसको कैसे पूजने लग गए, किसने बना दिया इसको, आखिर ये तीन लोक के अधिपति रूपी साम्राज्य इसको किसने दिया ये तो बताओ। किसी ने नहीं, जंगल में शेरों के रास्ते लग नहीं हुआ करते क्या? शेर को जंगल का राजा किसने बनाया? बंदर को तो आप लोगों ने बनाया था इलेक्शन होकर के, लेकिन शेर को किसने बनाया ये बताओ राजा? स्वयंभू है क्या? कोई किसी को नहीं बनाता है, किसी का राज्य किसी को नहीं मिलता है, स्वयं ही आत्मा स्वयं का आश्रय लेकर के परमात्मा अवस्था की प्राप्ति करता है, परमात्मा बनता है, इसलिए स्वयंभू कहलाता है। क्या कह रहे हैं यहां? सर्वलोकपति पूजित, सर्वलोकपति पूजित, सर्वलोकपति पूजित भी होता है क्या? आपके भगवान को सर्वलोक पूजता है, भगवान महावीर स्वामी को तीन लोग पूजता है। मेरी वो घटना तो सबका ख्याल में है ना, बताऊंगा नहीं। जैन कौन होते हैं? हूँ महावीर। इसका मतलब महावीर भगवान का नाम नहीं सुनने वाले लोग भी दुनिया में बहुत हैं। जिन्होंने महावीर भगवान का नाम मात्र भी नहीं सुना हो, तो तुम कह रहे हो तीन लोग पूजता है उनको, ये बात तो समझ में नहीं आ रही। बोलो, तीन लोग पूजता है भगवान महावीर स्वामी को? हाँ, कौन कौन पूछता है, क्यों, कैसे कहेंगे? बड़े बड़े लोग पूछते हैं भाई साहब। क्या मैंने एक दिन प्रैक्टिकली पूछा था आपसे यहां शायद सभा में, कौन है अपना राष्ट्रपति? राष्ट्रपति कौन है? नाम ही अजीब है उसका, क्यों साहब? क्या पता, हमें क्या पता राष्ट्रपति कौन? राष्ट्रपति का नाम नहीं मालूम आपको? देश का राष्ट्रपति प्रथम नागरिक है, समझ लो आप, देश का राजा है, सर्वोच्च सत्ता पर बैठा हुआ है, उससे बड़ी कोई हैसियत नहीं है। सर्वोत्कृष्ट पद के ऊपर, देश के सर्वोत्कृष्ट पद के ऊपर बैठा हुआ है कि नहीं, बोलो, सबका राजा है कि नहीं? आज की तारीख में भारत का स्वामी है या नहीं है? उसके बावजूद भी, अरे तुम्हारे नहीं जानने से क्या फर्क पड़ता है? आपके जानने और नहीं जानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कौन जानता है कि बड़े बड़े ऑफिसर्स जानते हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर्स जानते हैं, क्या ऊंची ऊंची पोस्ट पर जो बैठे हुए हैं, IAS कलेक्टर्स पदवियों के ऊपर जो बैठे हुए हैं, वो सब उसको जानते हैं और सब उसके चरणों में झुकते हैं। तुम्हारे नहीं मानने से क्या होता है? एक रिक्शे वाला ठेले वाला उसको नहीं मानता है, इससे क्या लेना देना, से कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही कह रहे हैं भगवान महावीर स्वामी, तीन लोकपति, सर्वलोकपति महितो, सर्वलोक के स्वामी है, तीन लोक के स्वामी है, तीन लोक के नाथ है, तीन लोक के जीवों द्वारा पूजे जाते हैं। कि साहब हमारे पड़ोस में जो रहते हैं शर्मा जी, वो तो पूजते ही नहीं है। हमारे पड़ोस में वो रहते हैं हिंदू है, वो तो पूजते ही नहीं है। कि सुनने कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तीनों लोगों के जो श्रेष्ठ लोग हैं, मनुष्य गति के चक्रवर्ती जैसे सम्राट, वो उनके चरणों में अपना मुकुट धरते हैं। ऊर्ध्व लोक के स्वर्ग के देव, वे उन्हें अपना स्वामी मानते हैं। अधोलोक में नाग कुमार आदि जाति के देव, असुर कुमार आदि जाति के देव, भवनवासी देव, वो सब उनके चरणों में झुकते हैं। इसलिए वे तीन लोक के नाथ हैं। तुम्हारे हमारे नहीं मानने से कितने टके बढ़ते हैं? पूछता कौन है तुम्हारे को हमारे को? वैसी हालत है, तो शराबी कबाबी रिक्शे वाले फुटपाथ पर रहने वाले नहीं जाने तो नहीं जाने। ऐसे भी लोग मिल जाएंगे आपको, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भी नहीं जानते होंगे। बोलो, ऐसे तो नहीं होंगे। अरे भाई साहब, आपको पता नहीं है दुनिया कितनी बड़ी है, और आपको पता नहीं है फुटपाथ और इनमें रहने वाले लोग कैसे हैं, किस तरह के लोग हैं, उनको कुछ अता पता नहीं है उसको कौन सी दुनिया में रह रहे हैं। भीख मांगने वाले, फुटपाथ पर रहने वाले, कच्ची बस्तियों में रहने वाले, ऐसे बहुत लोग हैं, कुछ खबर नहीं है उनको। वोट क्या होता है, इलेक्शन क्या होता है, यही नहीं समझते, वो जानते ही नहीं क्या क्या है। भीख मांगते हैं, जो मिल जाता है रुका सूखा खा लेते हैं। इसी देश में, इस हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं मैं, ऐसी ऐसी जगह है इस भारत में जिन देशों में मतलब किसी व्यक्ति की एंट्री नहीं, आदिवासी लोग हैं, ऐसे आदिवासी ऐसे जंगलों में रहते हैं आज भी यहां भारत के जंगलों में। बोलो, ऐसे लोग हैं यदि वहां चले, आज भी वो मांसाहार करते हैं,
मनुष्यों में यदि वहाँ कोई पहुँच जाए तो उन्हें फाड़ करके खा जाते हैं, वहाँ कोई शासन नहीं चलता, वहाँ कोई पुलिस नहीं जाती है, वहाँ कोई कानून नहीं चलता, कुछ ऐसे एरिया हैं, अंदर जाकर के देखो तो सही आप। दुनिया में बहुत है ऐसे जगह, इस तरह के क्षेत्र भी हैं, जंगलों में ऐसी जगह भी होती है, ऐसे लोग भी कि हाँ है। हाँ पता क्या है, हम लोग कहाँ बीच शहर में बैठे हुए हैं, हम लोग गांव में जाकर के देखो आप, पता ही नहीं। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, तो क्या सब लोग पति महिलो कौन, तीन लोग के नाथ ऐसे जिनेश्वर देव कौन हो गया, सैमेवादा आत्मा स्वयं हो गया है, स्वयं हो जाता है, सर्वज्ञ हो जाता है ये आत्मा, अल्पज्ञ सर्वज्ञ बन जाता है, संसारी मुक्त हो जाता है, दुखी जीव अनंत सुखी हो जाता है। कौन कर देता है, कौन बना देता है, हे भगवान आपकी कृपा हो तो मैं भी थोड़ा सा मोक्ष मार्ग में लग जाऊं, हे प्रभु आपका आशीर्वाद मिले तो मैं भी तीन लोग का नाथ बन जाऊं, आपके बताए हुए मार्ग पर चलूं, भगवान का आशीर्वाद तो मिलेगा ना। ऐसा अपने तो होता नहीं है, ऐसा हाथ ऐसे खड़ा हुआ, हाथ में ऐसे फूल लटका हुआ हो और फिर लोग जाकर के आशीर्वाद मांगे और फूल गिर जाए, यहाँ से आशीर्वाद ऐसा मिल गया, अपने यहाँ ऐसा कुछ होता नहीं है। सैमे वादा बहुत गजब शब्द है भाई, ऐसा शब्द है जिस शब्द पर रीझने का मन करता है, कैसा शब्द है, सैमे वादा आत्मा स्वयं होता है। आत्मा माने कौन, मैं केवल ज्ञानी स्वयं होता हूँ, मैं पूर्ण ज्ञानी स्वयं होता हूँ, मैं परमात्मा स्वयं बनता हूँ, मुझे परमात्मा स्वयं को बनना है, मुझे परमात्मा बनने के लिए, अनंत सुखी होने के लिए, अक्षय सुख प्राप्त करने के लिए, शुद्धोपयोग प्रकट करने के लिए किसी के सहयोग की थोड़ी बहुत जरूरत भी नहीं, रंच मात्र भी जरूरत नहीं है क्या। इसलिए सैम्यवादा, इसलिए स्वयं बुद्धि दिट्ठो, स्वयं बुद्धि स्वयंभू निर्दिठो कहा गया है, स्वयं हुआ होने से स्वयंभू है ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा है। आचार्य यहाँ ये कहना चाहते हैं, सुनो भाई क्या कहना चाहते हैं आचार्य जी, आचार्य यहाँ ये कहना चाहते हैं कि निश्चय से पर के साथ आत्मा का कारकता का कोई संबंध नहीं, ये आचार्य देव कहना चाहते हैं। निश्चय से पर पदार्थों के साथ आत्मा का कारकता का कोई संबंध नहीं है। क्या क्या होती है कारकता, कोई संबंध नहीं है, क्या कारकता है, तो कारक वाला पाठ शुरू कर रहे हैं अभी, ये सब बातें बतलाएंगे। उसकी टीका में अमृतचंद्र स्वामी ने खूब खोला षटकारकों को, तभी तो कहा हमने इस प्रवचन सार ग्रंथ की टीका का नाम तत्व प्रदीपिका, क्या नाम, तत्व प्रदीपिका, लेखक कौन, अमृतचंद्राचार्य ने लिखी तत्व प्रदीपिका नामक टीका, ठीक है। शुद्धात्म स्वभाव की प्राप्ति के लिए यह जीव बाह्य सामग्री की आकांक्षा से व्यर्थ दुखी हो रहा है। ओ क्या हो गया, किसके लिए, किसके लिए दुखी हो रहा है, शुद्धात्म स्वभाव की प्राप्ति के लिए, चाहता तो है इसने, सुन रखा है प्रवचन, खूब सुने हैं ना आज तक इसने अपनी लाइफ में, ये कहता है आत्मा के बिना तो सुख नहीं मिलेगा, आत्मा की प्राप्ति के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, बस कैसे भी आत्मा मिल जाए, आत्मा की प्राप्ति हो जाए, आत्मा की अनुभूति हो जाए, उसमें ही है सच्चा सुख। तो बोले क्या कर रहा है उसके लिए, कि मैं एक शिविर लगाने की सोच रहा हूँ, तो सोच रहे हैं 3 दिन का शिविर तो लगना ही चाहिए, अच्छा आयोजन होना चाहिए मंदिर में, टोडरमल जी की जयंती पर करते हैं कुछ कार्यक्रम, ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए, लोग आए, विद्वान आए, पब्लिक आए, आयोजन हो, फिर उससे आत्मा की उपलब्धि हो जाएगी क्या, होती तो नहीं है, लेकिन मार्ग तो मिलता ही है ना। ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे अमृतचंद्र स्वामी, ये देखो, शुद्धात्मा की प्राप्ति के लिए यह जीव बाह्य सामग्री की आकांक्षा में इच्छा रखता है, बाह्य सामग्री की, पर पदार्थों के सहयोग की आकांक्षा रखता है, किसी का सहयोग मिल जाएगा, माला का जाप करो, ओम अरहम, क्या
अरहम नमः असी आउस सोहम का जाप करता है, ऐसा टोडरमल जी ने लिखा। ऐसा सोहम वही मैं मुंह से बोल रहा है, मुंह से बोलने की अपेक्षा नहीं, जवान नहीं चाहिए उसके लिए शुद्धात्मा की उपलब्धि के लिए। और होता क्या है कि तू पर पदार्थों के सहयोग की आकांक्षा रखता है और उससे काम होता नहीं है तो दुखी बना रहता है, व्यर्थ व्याकुलित व्याकुलित रहता है। तो जिज्ञासु ने प्रश्न किया, ऐसा फिर आप ही बता दो करूं क्या, कुछ तो बताओ आप, कुछ तो क्या क्या करूं। प्रश्न क्या है, कारकता का संबंध क्या चीज है यार, ये बीच में नई नई बातें समझा देते हो पंडित जी आप। ये पंडित जी प्रवचन कर रहे हैं क्या साहब, हाँ पहले ही समझ में नहीं आती है, फिर ऐसे नई नई बातें और आ जाती है आपकी। तो भाई नई नई बातें नहीं लाए हैं तो भी एक समस्या है, वही वही बातें करते हो। अब लोग कहते हैं वही वही बातें करते हो, अब नई लाते हैं तो कहते यार नई नई बातें ले आते हो, समझ में नहीं आती। तो करे क्या ये बताओ, नई बात लाए कि पुरानी सुनाए, नई सुनो। अरे कारकता की बात चल रही है जो आज तक कभी नहीं चली अपनी सभा में, इतने सालों में बहुत पहले कभी चली हो तो चली हो, ये कारकता की चर्चा अपने बहुत सालों से नहीं की कभी। क्या कह रहे हैं, कारकता का संबंध क्या वस्तु है, ये क्या बला है, ये क्या ले आए आप, ये कौन सा कारक पार्क, क्या क्या कारक क्या होता है, ये साथ में कथा जोड़ दिया आपने, कार तो समझ में आ रही है। मोटर कार तो समझ में आती है हमारे को, लेकिन ये कार कथा है, कार कथा कुल्लू, यदि समझो पहले सुना हुआ शब्द नहीं हो ना, ऐसे पढ़े इसको कार कथा, कैसे पढ़ेंगे ये शब्द, ऐसे ही है बिल्कुल, अशुद्ध नहीं बोल रहा हूं मैं, जो लिखा हुआ है उसी को पढ़ रहा हूं, कारकता सारकता कारकता, कारक शब्द है मूल, कारकता का संबंध क्या वस्तु है, कारक किसे कहते हैं, कृपया यह समझाइए, कृपया करके ये बात बतलाइए कि ये कारक होता क्या है, कारक कहते किसे हैं, क्या देखो कारक की परिभाषा तक नाम तक हम यहाँ चर्चा करेंगे, फिर कल देखेंगे बात को क्या है। प्रवचन का जवाब दे रहे हैं उसके प्रश्न का, जो क्रिया का जनक हो, जो क्रिया का जनक हो, क्रिया निष्पत्ति में प्रयोजक हो, उसको कारक कहते हैं, समझ में आ रही है क्या, जो क्रिया का जनक हो, क्रिया निष्पत्ति में प्रयोजक हो, उसे कारक कहते हैं, करोति क्रियां निर्वर्तयति इति कारकः, इतनी सी लाइन याद रखना, करोति क्रियां निर्वर्तयति इति कारकः, बोलो करोति क्रियां निर्वर्तयति इति कारकः, करोति क्रियां निर्वर्तयति इति कारकः, करोति करता है, करोति क्रियां क्रिया को, निर्वर्तयति इति कारक है, निर्वर्तन करता है, प्रवर्तन करता है, माने क्रिया या काम जब भी होता है तो उस काम के लिए जो विशेष रूप से प्रयोजक दिखाई देते हैं, जो सारी सामग्री, उस सब को क्या कहते हैं, कारक है, कारक कहते हैं, ऐसी उसकी व्युत्पत्ति है, कारक शब्द की व्युत्पत्ति है, करोति क्रियां निर्वर्तयति इति कारक है, इति कारक है, ऐसा कारक है। तात्पर्य यह है कि जो किसी न किसी रूप में क्रिया व्यापार के प्रति प्रयोजक होता है, कारक वही हो सकता है, अन्य नहीं। काम होगा तो छह कारक होंगे, क्या कोई भी काम होगा ना तो छह कारक होंगे, कारकों के बिना काम नहीं होता। काम होगा तो काम का होना, काम किसने किया, काम किसके लिए किया, काम किसके द्वारा किया गया है, काम में जो साधन था वो क्या था, या किसके आधार से किया गया, ये सारी बातें उसमें लागू होगी। कोई भी काम होगा उसमें
तो अब ये एक्चुअल उसकी जो प्रोसेस है सो यहाँ बतला रहे हैं। यद्यपि इस तरह की स्वाधीनता की चर्चाएं हम निश्चय व्यवहार के माध्यम से, चार अभाव के माध्यम से और पीछे उपादान निमित्त के माध्यम से भी कर चुके हैं इस स्वाधीनता की चर्चा, लेकिन जिनागम के कितने सिद्धांत ऐसे हैं जो सिद्धांत स्वाधीनता को बताने वाले हैं। चार अभाव की चर्चा भी इसी प्रकार की थी और निमित्त उपादान की चर्चा भी इसी प्रकार की थी, और हमने तो वहां कर्म सिद्धांत चलाया ना नैरोबी में, तो कर्म सिद्धांत से भी यही सिद्ध किया कि पर की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। निष्कर्ष तो यही निकलेगा, क्योंकि सारी व्यवस्थाएं जब कर्मों ने संभाल रखी है तो तू दिमाग का ही को लगाता है। तेरे शरीर की व्यवस्था नाम कर्म ने संभाल रखी है, तेरे संयोगों की व्यवस्था वेदनी कर्म ने संभाल रखी है, हैं तेरे काम अटकना नहीं अटकना है सारी व्यवस्था अंतराय ने संभाल रखी है, तेरे ज्ञान का क्षयोक्षम कैसा होगा ये व्यवस्था ज्ञानावरणी ने संभाल रखी है। तो तू क्या करेगा अब जब सारा काम और करते हैं, तू क्या करता है? ये कुछ ही नहीं, मैं तो मात्र जानता हूँ, जानने का काम कर बस, ज्ञाता दृष्टा रे, मात्र जानना मेरा काम। याद है कि नहीं वो बालबोध भाग एक की कविता, शुद्धातम है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। ये याद करना बहुत सुंदर है भाई। तो क्या कह रहे हैं यहाँ, ये सारी चर्चाएं जो आज तक पढ़ते आ रहे हैं उसी को एक नए एंगल में यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। तात्पर्य यह है कि जो किसी न किसी रूप में क्रिया व्यापार के प्रति प्रयोजक होता है, कारक वही हो सकता है, अन्य नहीं। कारक छह हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपर और अधिकरण, ये छह कारक हैं। कारक की परिभाषा और कारक के नाम आप याद करके आना, फिर कल आगे बढ़ेंगे इन कारकों के स्वरूप की तरफ।